पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर यादव ने 13 नवंबर को छतरपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पुष्पा देवी के नॉमिनेशन के दिन झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद अन्नपूर्णा देवी, मनोज भुइया के समक्ष राजद छोड़ शंकर भाजपा का दामन थाम लिए। दामन थामने के बाद पहली बार प्रेस वार्ता कर शंकर यादव ने कहा कि बहुत लंबे समय से पलामू में राजद के दामन थाम कर कार्य किया हूं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में महागठबंधन में जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से वार्ता कर कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में सिर्फ अपनी बात को रखते हुए अधिक सीट अपने खाते में रखने का काम किया है, इसलिए राजद कार्यकर्ता दुखित होकर दूसरे पार्टी में जाने का निर्णय ले लिया है और इस कारण ही भाजपा का दामन थाम लिया। शंकर यादव ने कहा कि लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के दरकिनार करते हुए अधिक सीट अपने खाते में रख लिया था, जबकि कांग्रेस का विधानसभा 2014 में 6 सीट सीटिंग थी और 11 सीट दूसरे स्थान पर था। वह कांग्रेस पार्टी आज 31 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यहां तक कि मनिका विधानसभा सीट राजद 1000 वोट से पीछे और गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में दूसरे स्थान पर थे। वहीं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बार राजद तो एक बार कांग्रेस चुनाव जीत रही थी, जो गठबंधन पर सारी बातें रखते हुए भी एक भी बात कांग्रेस ने नहीं सुनी, जबकि पूरे झारखंड में 6 सीट पर दूसरे स्थान पर रहा है, जिसको मात्र पूरे झारखंड में 7 सीट दिया गया है। इस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को महागठबंधन अहमियत नहीं दिया गया। इससे दुखी होकर राजद कार्यकर्ता दूसरे पार्टी की ओर मुंह कर रहे हैं। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।